दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आयुष्मान भारत योजना जो स्टार्ट हुई 15 अगस्त को मोदी जी ने लॉन्च की थी, अब उसको 25 सितंबर को पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। उसमें आपको 5 लाख रुपए का मुफ्त में बीमा मिलने वाला है हर एक परिवार को। तो उसकी एलिजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब आयुष्मान भारत योजना एलिजिबिलिटी लिस्ट, वो कहाँ से आप देखेंगे कि आपके परिवार के लोग जो हैं उसके लिए पात्र हैं या नहीं है, तो वो कैसे देखने हैं आपको 1 मिनट में। आप मोबाइल फोन से या लैपटॉप से किसी से भी देख सकते हैं। अपना नाम उसमें देखिएगा, आयुष्मान भारत योजना में अपना नाम कैसे देखें, या आप पात्र हैं या नहीं। तो चलो उसको हम जान लेते हैं कैसे आपको देखना है। तो सबसे पहले आपसे मैं गुजारिश दोस्तों जरूर करूंगा, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आयुष्मान योजना के तहत मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार ने हर एक परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा, हेल्थ बीमा, मतलब अगर आप बीमार होते हैं तो 5 लाख रुपए तक का आप इलाज किसी सरकारी गवर्नमेंट अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में करा सकते हैं। उसके लिए आयुष्मान भारत का योजना जो चल रहा है उसमें कार्ड बनेगा फैमिली का हर एक। सपोज दैट आपकी फैमिली में 5 मेंबर हैं और आप एलिजिबल हैं उस फैमिली, वो फैमिली एलिजिबल है, तो 5 कार्ड बनेंगे, पांचों के लिए 5-5 लाख रुपए का बीमा आपको मुफ्त में दिया जाएगा। मतलब अगर कोई घर से सदस्य बीमार होता है तो उसका जो भी 5 लाख तक खर्चा आता है वो प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी, वो आपका सरकार वहन करेगी। उसके लिए आपको एक कार्ड बनवाना पड़ेगा। वो कैसे बनवाना है उसको मैं आपको बता दूंगा। वो आपको सबसे पहले सीएससी सेंटर जाना होगा, वहां पर नजदीकी सीएससी सेंटर जहाँ कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, जनसेवा केंद्र जिनको बोलते हैं, वहां पर बनेगा। उसका प्रोसीजर मैंने आपको पूरा, तो दोस्तों उसके लिए आपको अपने कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना है, वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। तो चलो हम देख लेते हैं वो लिस्ट कैसे आपको देखनी है। तो उस लिस्ट देखने के लिए दोस्तों सबसे पहले आना होगा आपको इस साइट पर, यहाँ पर देख सकते हैं इसका लिंक jhakdenews.com, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां पर आप आ सकते हैं। वहां पर जैसे आते हैं यहाँ पर देखिए सीएससी से आयुष्मान भारत योजना का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इस पोस्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपका नीचे स्क्रॉल करके आए आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना के बारे में, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन कराने, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो भी सारी चीजें आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपको एलिजिबिलिटी लिस्ट, यहाँ देखो आयुष्मान भारत एलिजिबिलिटी लिस्ट, यहाँ पर देखा आयुष्मान भारत योजना पात्रता लिस्ट, यहाँ पर क्लिक करना है आपको। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस लिंक पर आप आ जाते हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है अपना प्रदेश, किस प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं, तो उत्तर प्रदेश से आप जहां भी करते हैं वहां करें, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम अपने सिलेक्ट कर लें। सपोज दैट मैं कानपुर का हूं तो मैंने कानपुर किया, और तहसील आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपना जो भी पड़ता हो, और उसके बाद अपना ग्राम पंचायत, तो जो भी आपका ग्राम पंचायत हो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ ऑटो इंक्लूजन और डिवीजन पर लगा होगा, लेकिन आपको ऑटो एक्सक्लूजन पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ और सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं तो पूरी लिस्ट आपकी खुलकर आ जाती, देखिएगा पूरे आपके गाँव के लोगों के नाम। तो जो इस दोस्तों ये जनगणना वाली लिस्ट है जो 2011 में हुई थी वो लिस्ट है, अगर आपका यहाँ पर नाम है तो उसके लिए आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। आपको अगर सपोज अपना नाम देखना है तो आप यहाँ पर कंट्रोल ऐप दबाएं, ठीक है। कंट्रोल ऐप से क्या होता है, चीजें फाइंड की जाती, सर्च की जाती है। तो या सब उधर मान लो किसी का नाम देखना है, जैसे मुझको देखना मदन, ठीक है। तो अब जैसे आप मदन डालेंगे तो जितने भी मदन नाम से होंगे सारे लोग आ जाएंगे, देखो मदन गोपाल है ना, राम शाह, और भी आप देख सकते हैं आगे जाकर इंटर मारते जाएंगे तो अगर मदन नाम से होगा तो मिलता जाएगा। सब उधर आपका नाम है यहाँ पर राम, तो आप यहाँ पर राम ऐसे लिख कर सर्च कर सकते हैं, तो राम नाम से जितने भी होंगे सब लोग आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। ये देखिए तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देता दिया होता है आपके नेम ऑफ द हेड, जो घर का गार्जियन होता है उसका जेंडर क्या होता है, उसकी एज कितनी है, एंड सोशल कैटेगरी की एससी एसटी फादर्स नेम एंड डिप्रीवेशन काउंट, ठीक है, ऑटो इंक्लूजन एंड डिप्रीवेशन कोड एंड टोटल मेंबर आपके घर में कितने सदस्य हैं। तो सपोज दैट आपका ये फैमिली ऊपर वाला, तो आपके 5 सदस्य, तो आपके घर में 5 कार्ड बनेंगे, एक कार्ड का 30 रुपए आपको चार्ज देना पड़ेगा, तो कुल मिला के 150 रुपए आपके कार्ड बन जाएंगे और आप बहुत ही अच्छे एलिजिबल हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल थी, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दूं क्योंकि एलिजिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे आप चेक करेंगे। तो इस आपको वेबसाइट पर आ जाना है, यहाँ पर आपको लिंक मिला है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया है, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्टली आ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पर देखिए लिस्ट दिया गया, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अपने चैनल को अगर अभी तक आपने